मऊ जिले के मधुबन के बिंटोलिया गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने गांव में स्थायी समाधान न होने के कारण मतदान न करने की बात कही। इन लोगों का मांग है कि जो इनका जो कि गांव नदी के किनारे है, घाघरा नदी के किनारे है, और कुछ घर नदी की धारा में समाहित हो गए थे। अब इनका यहां पे सरकार के द्वारा कटान रोकने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर के गांव में आक्रोश है, समझाने बुझाने प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग मतदान करें और जो भी आपकी समस्या है उसका शीघ्र से निशान किया जाए। सर, इस बिंडोले गाँव में कितने लगभग पोलिंग होती है? इसमें लगभग 1100 वोट है दोनों बूथों पे, ये मतदाता इसमें है। मतदान के दौरान सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दबंगई सामने आई। सपा कार्यकर्ताओं पर धनोरा बूथ पर मतदाता से गाली गलौज और धक्का मुक्की करने का आरोप लगा। इस बीच एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें ग्राम धनोरा बूथ में एक मतदाता को सपा के कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते हुए और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में मतदान के दौरान कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अपने समर्थकों के साथ बूथ पर जा रहे नीलकंठ तिवारी को पुलिसकर्मी ने रोका था। इससे मंत्री जी नाराज हो गए और पुलिस वालों से उलझ पड़े। सोनभद्र खड़िया ग्राम पंचायत में एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जहां एक बूथ पर दिव्यांग के ट्राई साइकिल को सुरक्षा के लिहाज से मतदान केंद्र तक गेट पर ही रोका गया। इसके बाद दिव्यांग मतदाता जमीन पर रेंगते हुए मतदान केंद्र के अंदर दाखिल हुआ। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने इस पर जवाब देने से इनकार कर दिया। मतदान के बीच चंदौली जिले में ईवीएम में साइकिल वाले निशान पर फेविक्विक डाल दिया गया, जिसके बाद यहां कुछ देर तक मतदान रुका रहा। वहीं सपा ने ट्वीट करके चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की।